हाल ही में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको ऐसी जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी कब्जे वाला जो अवैध कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा है वहां के गांव में आतंकियों की भर्ती हो रही। ऐसी रिपोर्ट थी कि पूंछ सेक्टर के सामने, और हम आपको नक्शे के जरिए, मैप के जरिए ये समझाते हैं कि किस तरीके से भारत की सीमा में पूंछ और उससे लगते हुए जो गांव हैं जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में आते हैं, वहां पर इन सभी गांवों में, ये कुल 11 गांव बताए गए हैं, ये देखिए पूंछ का इलाका, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल और उसके उस पार ये जो 11 गांव आप देख रहे हैं, चकियास, चिरीकोट, चप्पर, कड़ा, मंदार, धोक, बोकरा गली, काहुता, कालामुला, बल्लन वाली, काचारबन और सनई, रावलकोट, इन सभी जगहों पर जो आतंकी हैं उन सबको ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये वो इलाके हैं जो पूंछ के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। आपको हमारा दूसरा नक्शा भी देखना चाहिए, बिंबर गली का इलाका, बिंबर गली के सामने का नक्शा, और एजेंसियों को जो जानकारी मिली उसके अनुसार पीओके के ये 7 गांव हम एक बार आपको दिखाते हैं। बिंबर गली दरअसल वो इलाका है जिसे बीजी कहते हैं और 1947-48 के युद्ध में भी इस इलाके में भीषण लड़ाई छिड़ी थी। अब बिंबर गली के जो कॉरेस्पॉन्डिंग इलाका सामने का हो जाता है उसमें पंजन, गोरा, गुजरान, दात तोटे, मैट्रियन, लंजोट, ताराकुंडी और जांद्रोट, ये सारे इलाके, यहां पर लॉन्चपैड होना पाकिस्तानी इलाके में कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इन इलाकों से किस तरीके से भारत के इन इलाकों में डिस्टरबेंस फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, ये चीज समझना होगा। आज तक के पास आतंक के 7 गांवों की ये सारी लिस्ट जो मौजूद है, जो हमने आपको दिखाई है, ये सारे गांव जो हमने आपको बताए हैं, सूत्रों के अनुसार आतंकियों को पीओके में गांव वालों के बीच छिपाकर रखने के पीछे आईएसआई की चाल ये रही कि इन पर किसी की नजर न पड़े। लॉन्चपैड देखना आसान है, गांव के भीतर अगर एक आतंकी घरों में छुपकर रह रहा है तो मुश्किल। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हुए पीओके में घुसकर 7 आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया था, वहीं 38 आतंकियों को मार गिराया था। अब ऐसी ही एक और कार्रवाई की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में कई महीनों की खामोशी के बाद इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है क्योंकि कश्मीर घाटी में आतंकियों पर नकेल इतनी कस दी गई कि वो छोटे मोटे हमलों को अंजाम दे पा रहे थे। कश्मीर में अमन से बौखलाए पाकिस्तान ने घुसपैठ के जरिए इस हमले को अंजाम दिया जिसका उसे करारा जवाब जरूर मिलेगा। ये पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर टूटा फूटा, तहस नहस और बदहाल, जहां पर गाड़ियां लकड़ी के पुल पर चलने को मजबूर है, जहां जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। ये आतंक को पीछे छोड़ चुका विकास की पटरी पर दौड़ता जम्मू कश्मीर चमचमाता, बड़े बड़े पुल और रेल ट्रैक वाला, अमन का विश्वास जगाता। पीओके में भूख से दंगा मचा है, वहाँ हिंदुस्तान का नाम गूंज रहा है। यही बात पाकिस्तान को चुभ रही है, वो नहीं चाहता कि दुनिया जम्मू कश्मीर की असलियत देखे, वहाँ हो रहा विकास उसके झूठ की पोल खोले, इसीलिए उसने श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक से पहले इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया ताकि दुनिया का ध्यान एक बार फिर कश्मीर पर लाया जा सके, भारत को कश्मीर के बहाने बदनाम किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान को अब यकीन हो गया है कि वो कश्मीर पर अपने झूठ की बाजी कड़ी को बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं बेच पाएगा। पाकिस्तान अब तक दुनिया को ये बताता रहा कि भारत कश्मीर में लोगों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन उसके झूठ का ये गुब्बारा हमेशा हमेशा के लिए फट जाएगा, क्योंकि दुनिया के 20 बड़े देशों के प्रतिनिधि घाटी में हो रहे विकास के गवाह बनने जा रहे हैं। इसी बात से वो घबराया हुआ है क्योंकि उसने पीओके में विकास के बारे में कभी नहीं सोचा, कश्मीरियों का इस्तेमाल किया, उनके पानी और खाने संपदा को लूटकर चीन को बेच दिया। इसीलिए पीओके की हालत ये है कि वहाँ पर लकड़ी के कमजोर पुल पर लोगों को जान जोखिम में डालकर चलना पड़ता है। यही नहीं, पाकिस्तान की सरकार पीओके की आटा मिलों से आटा गायब करके पंजाब के लोगों को बांट रही है, जिससे पीओके के लोगों में काफी गुस्सा है।
भारत में जहां दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है जो उधमपुर कटरा कांजी गुंडा को जम्मू से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी टनल बन रही है जो लद्दाख को हर मौसम में देश से जोड़े रखेगी। लेकिन पाकिस्तान में भारत जैसा रेल ब्रिज छोड़िए ठीक ठाक सड़कें तक नहीं है। ये देखिए, ये पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बना काराकोरम हाईवे है जो बाढ़ में तबाह हो गया, लेकिन पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि इस हाईवे को ठीक करवा सके। एक और तस्वीर देखिए जिसमें बारिश के पानी में एक टूरिस्ट बस फंस जाती है और डूबते डूबते बचती है। दरअसल पाकिस्तान की नीयत पीओके में विकास करवाने की कभी नहीं रही, उसकी प्राथमिकता हमेशा गिलगित बाल्टिस्तान के खनिज संपदा को लूटने की रही है। इसीलिए पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं, ये रहा उसका सबूत। पाकिस्तान को लगता है कि अगर ये सच दुनिया को पता चल गया तो फिर उसकी कश्मीर की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में होने वाले विकास ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीरियों का भी सच से सामना करवा दिया है। इस तरह कश्मीर में होने वाले विकास ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है। पीओके के लोग पाकिस्तान से हिसाब मांग रहे हैं जिसका सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं है। ये पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के कथित राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी हैं, जो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के कथित पीएम को शपथ दिलाने के लिए स्टेज पर चढ़े और तभी लड़खड़ा कर गिर गए। आसपास के लोगों और सिक्योरिटी के लोगों ने उन्हें उठाया। पाकिस्तान की भी हालत यही हो चुकी है, लोग आटे के लिए लाइनों में खड़े हैं और पाकिस्तान की सरकार दुनिया के सामने कटोरा हाथ में लेकर भीख मांग रही है। लेकिन भिखारियों को पैसे तो मिल सकते हैं लेकिन इज्जत नहीं। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा की तरह आतंक का हथियार लेकर भारत को परेशान करना चाहता है, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी होगी। जितेंद्र बहादुर सिंह और श्वेता सिंह के साथ सुनील जी भट्ट, पुंछ, आज तक।